नमस्कार, स्वागत है आपका फास्ट न्यूज इंडिया के खबरों की इस खास बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ प्रियांशी श्रीवास्तव। तो आइए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर बांटे मास्क। जी हां, आज ग्राम अजड़ावाडा में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन ग्राम की बस्तियों में जाकर मनाया गया, जिसमें फल वितरण, मास्क वितरण करा गया, जिसमें भाजपा मंडल उपाध्यक्ष जुझार सिंह पवार, स्थानीय समिति अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राठौर, चंदन सिंह जी, बंटी देवड़ा, श्यामनाथ, गजेंद्र सिंह डाबी, नरेंद्र चतुर्वेदी व अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए अजड़ावाडा से देवीलाल प्रजापति की यह रिपोर्ट। फास्ट न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं आज ग्राम अजड़ावाडा में उपस्थित हूँ और गांव में आज श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम आज बात करेंगे भाजपा के उपाध्यक्ष बड़नगर मंडल अध्यक्ष से जुझार सिंह जी से बात करते हैं। क्या करा सर आपने आज? अपने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का 70वां जन्मदिन है। इस उपलक्ष्य में आज हमने भारतीय जनता पार्टी के ग्रामीण मंडल और हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र सिंह जी राठौर साहब, स्थानीय समिति अध्यक्ष द्वारा गजेंद्र सिंह जी, श्यामनाथ, चंद्र सिंह जी, अमरजीलाल जी, इन सब ने हमने आज यहाँ ग्राम अजड़ावाडा में नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर हमारे गांव की बस्तियों में जाकर मिठाई वितरण करी, फल वितरण करे हैं, कुछ मास्क वितरण करे हैं। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने यह तय किया है, भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार केंद्र के आदेश अनुसार कि साप्ताहिक भारतीय जनता पार्टी साप्ताहिक जन्मदिन मना रही है नरेंद्र जी मोदी जी। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो देश के गौरव, विश्व में भारत का डंका बजाने वाले, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना था कि मेरा जन्मदिन के उपलक्ष्य में कुछ बस्तियों में जाकर, गांव हितेशी जाकर, गांव में ऐसी बस्तियों में जाकर हम मेरा जन्मदिन मनाए, जहां लोगों का एहसास हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री देश के गौरव हैं, उन्होंने ऐसा आदेश करा था, इसलिए हमने यहाँ पर आज ये जन्मदिन मनाया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जिला प्रवक्ता विजय यादव से बेरोजगारी पर बातचीत। जी हां, अमेठी में सपा कार्यकर्ताओं ने कटोरा लेकर मांगी भीख व युवाओं को रोजगार न मिलने से नाराज अमेठी जिला प्रवक्ता विजय यादव ने की बातचीत। देखिए अमेठी से विश्वनाथ भदौरिया की यह रिपोर्ट। अमेठी के मुसाफिर खाना तहसील परिसर के पास हम मौजूद हैं, जहाँ पर युवाओं के रोजगार को लेकर के हम बात करेंगे। तहसील परिसर में हमारे सपा के प्रवक्ता मौजूद हैं, इनसे आइए हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? विजय यादव। क्या है युवाओं के बेरोजगार के लिए आपके यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है लगातार, क्या है ये पूरा? दरअसल 2014 में भारतीय जनता पार्टी प्रतिवर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने के नाम पर सत्ता में और 15 करोड़ लोग जबकि बेरोजगार हो गए इस दौरान। इसके अलावा सरकार द्वारा समूह गा और घा की भर्तियों में संशोधित सेवा नियमावली को लेकर के, खास करके जो नौजवान प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरियों में जाना चाहते हैं, उनके अंदर आक्रोश है। निश्चित रूप में ये इस सरकार को भारी पड़ेगा और आने वाले समय में प्रदेश का नौजवान इस सरकार को उखाड़ सकता है। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि अमेठी में जिस तरह से रोजगार देने की बात कर रही है सरकार, गन हाउस की फैक्ट्री डाल रही है और कई चीज़ें छोटे छोटे उद्योग व्यापार दे रही है, इससे क्या आपको लगता है कि रोजगार मिल पाएगा? प्रदेश की 3.5 साल की सरकार में किसी भी एक आदमी को अगर रोजगार मिला हो तो आप मुझे बताने की कृपा। आज बेरोजगार दिवस है, मोदी जी का जन्मदिन है, उनके जन्मदिन पर हम लोग युवा संगठन उनके नाम पर भीख मांग कर हम लोग केक काटेंगे, उनको केक काट कर उनको भेजेंगे कि हम लोग बेरोजगार युवाओं को बेरोजगार कर दिया, अब जो हो गया संविदा पे भी चालू कर दिया काम, अब संविदा पे देंगे 5 साल, उसके बाद फिर भीख मांगेंगे, उसके बाद ये योगी मोदी सिर्फ बेवकूफ़ बनाने वाला काम कर रहे हैं। अभी तक जितने किसान, बेरोजगार, गरीब, मजलूम सबको परेशान कर रहे हैं, आज तक कोई काम नहीं किया, सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के कामों को अपना काम बता के बता रहे हैं, आज तक खाली उद्घाटन को उद्घाटन कर रहे हैं, कोई नया काम नहीं, शिक्षा पे कोई काम नहीं, बेरोजगारी के लेके हम लोग आज भीख मांग रहे हैं। राजदेव यादव का 8 वर्षीय नाती भीड़ में बिछड़ा। जी हां, हंडिया क्षेत्र के
लक्षागृह गंगा घाट पर पितरों को पिंड दान करने आए परमानंदपुर के राजदेव यादव का 8 वर्षीय नाती भीड़ में उनसे बिछड़ गया। बिछड़ने के चलते बच्चा और जोर जोर से रो रहा था, जिसे एसआई उपेंद्र सिंह ने देखा, मामले को समझा। तत्काल ही फल बांट रहे भाजपा मंडल महामंत्री हंडिया संतोष मणि त्रिपाठी को बताया, जहां पर उन्होंने परिवारजनों से मोबाइल फोन के जरिए संपर्क साधा। इसके उपरांत बच्चे के पास पहुंचे दादा राजदेव यादव को सौंपा गया। बच्चे को पाकर परिवारजनों में खुशी नजर आई। देखिए इंडिया से प्रदीप मिश्रा की यह रिपोर्ट। जो खो गया था, इस पर आप लोगों ने क्या किया है? ऐसा है, हम लोग यहाँ खड़े थे, फल बांट रहे थे पंडित सांवरेलाल त्रिपाठी जी के सानिध्य में, जो कुपुर विधानसभा प्रत्याशी हैं। ये बालक मेरे पास आया रोते हुए, तो विधायक जी ने कहा भाई संतोष जी महामंत्री जी, इनको आप अंदर में लीजिए। तो गार्जियन को हम लोगों ने फ़ोन किया, तो गार्जियन आ गए हैं, उनको हम लोग सौंप रहे हैं विधायक जी के सानिध्य में। आपका? हमारा नाम देवराज यादव है। कहाँ घर है आपका? गाँव परमानंद। अच्छा, तो ये बच्चा आपका छूट गया था? मैं ये दान करते करते आगे निकल गया, तो हम पीछे ढूंढते रह गए, और इसके लिए आधे घंटे से हम लोग परेशान हैं वहाँ जी, वहाँ भी ढूंढते ढूंढते आ रहे हैं। आपका बच्चा कहाँ गया, किधर गया, ढूंढ रहे हैं, परेशान हैं हम लोग। हमारे भाई साहब हमसे बिछड़ गए, अब मिल गया है आपको? हाँ, ये मिल गया है, भाई साहब ढूंढेंगे। नगला भूड़ में लाइट न लगने से ग्रामीण वासी परेशान। जी हां, यूपी के जनपद कासगंज के शहर के पास नगला भूड़ गांव है, जो कि शहर की सीमा में आने लगा है, फिर भी वहां के बशिंदे अपने आप को अंधेरे में महसूस कर रहे हैं। जबकि योगी जी की सरकार का कहना है कि गांव गांव घर घर रोशनी पहुंचाई जा रही है, फिर भी एक गाँव ऐसा बचा है जहाँ गरीबों के लिए बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है। बच्चे होनहार हैं, जो कि आने वाले भविष्य है, उनका भविष्य ही बिजली न आने के कारण अंधकार में चला जा रहा है। ना उनकी पढ़ाई हो पा रही है, ना ही उनको कोई सहूलियत महसूस हो रही है, लेकिन सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। ऐसा ही मामला नगला भूड़ कासगंज सहावर गेट से आया है। वहां बिजली का न होने से वहां के बाशिंदों ने शासन प्रशासन से मांग की है कि उनको भी बिजली मुहैया कराई जाए, जैसे कि आम लोगों को बिजली की आपूर्ति कराई जाती है, जिससे कि उनका जीवन भी खुशहाल व शिक्षित बन सके। देखिए कासगंज से संजय सिंह की यह रिपोर्ट। क्या परेशानी है आपको? भैया घर में लाइट नहीं है। कब से नहीं आ रही है? बहुत दिन से नहीं है, जब से मकान मीटर नहीं लगा है। नहीं लगा है। आखिर क्यों, ऐसा क्यों हुआ है? पता नहीं, जो लगाने आते हैं गांव बारे लाइट लगा रहे हैं, वो नो कह देते हैं तुमसे 5,000 रुपया लेंगे। कौन कहता है ये? जो मीटर लगा रहे हैं, कहाँ देहाती वाला। अच्छा, तो आपका ये ग्रामीण में आता है? हाँ। तो आपने मतलब बिजली विभाग गए थे? हाँ गए थे। तो उन्होंने, उनसे क्या कहा आपने? हमने कि भैया हमारी लाइट ना है, लाइट लगवाओ। हाँ, तो उन्होंने क्या कहा आपसे? ऑनलाइन करा दिया। फिर सर्वे करने आए, वो मने कर गए कि दूरी है आपकी, इसलिए नहीं लगेगा। हाँ, आपका मीटर इसलिए नहीं लगेगा। आप क्या चाहते हैं? लाइट चाहते हैं। मतलब आप लाइट चाहती हैं, तो मतलब कहने मतलब ये है, आप क्या चाहती हैं? चलो तो लाइट के हिसाब से लगे, आपका जो है बीपीएल कनेक्शन है? हाँ, बीपीएल कनेक्शन है हमारा भैया। तो उसके द्वारा लाइट चाहती हैं? हाँ, उसके द्वारा चाहते हैं। मतलब आप गरीब परिवार से हैं? और क्या, गरीब तो ही ठेला लगा रहे हैं, तो गरीब ना पैसा वाले होते तो ठेला लगा रहे होते। हाँ, वही चाहिए। हाँ, तो फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मनाया गया जन्मदिन। जी हाँ, खबर उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर गदरपुर की है, जहां आज केक काटकर व वृक्षारोपण कर करी दीर्घ आयु की कामना। गदरपुर क्षेत्र के बड़ाखेड़ा स्थित बीजेपी शक्ति केंद्र में भाजपा कार्यकर्ताओं ने एकत्र होकर गदरपुर के भाजपा मंडल अध्यक्ष चंकित हुड़िया के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 70वां जन्मदिन केक काटकर वृक्षारोपण कर मनाया। इस मौके पर गदरपुर मंडल अध्यक्ष चंकित हुड़िया ने कहा कि हमारे संगठन द्वारा जो सेवा सप्ताह का कार्यक्रम 14 सितंबर से 20 सितंबर तक जारी किया गया है, जिसमें वृक्षारोपण के लिए लोगों को प्रेरित करना, ब्लड डोनेशन कैंप लगाना चलाया जाएगा, और युवा मोर्चा द्वारा यह विभिन्न कार्यक्रम जो 17 दिनों तक चलाए जा रहे हैं, उसी के उपलक्ष्य में आज मोदी जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। क्षेत्र के समस्त कार्यकर्ता आज यहां मौजूद
हैं मोदी जी का जन्मदिन मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। यहाँ पर सभी बूथ अध्यक्ष व मंडल के पदाधिकारी उपस्थित हैं। देखिए गदरपुर से संवाददाता शाहनूर अली की यह रिपोर्ट। आज मैं आपके माध्यम से देश के समस्त जनता को व अपने क्षेत्र की समस्त जनता को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता हूं। जन्मदिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन को लेकर संगठन ने सेवा सप्ताह नाम से एक कार्यक्रम चला है जो कि 14 सितंबर से 20 सितंबर तक जारी रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 14 तारीख को वृक्षारोपण करवाया गया था हमारे समस्त जितने भी बूथ हैं हमारे मंडल में। 15 तारीख को भी कार्यक्रम था जिसमें कि प्लाज्मा थेरेपी जो कि COVID-19 की रिकवरी में बहुत ही काम आ रही है उसके लिए हमने कोविड पेशेंट जो रिकवर होकर आए हैं उनको प्रेरित किया था प्लाज्मा डोनेट करने के लिए। 16 तारीख को पॉलीथीन प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए प्रचार प्रसार व समस्त शक्ति केंद्रों पर ये कार्यक्रम शक्ति केंद्र संयोजक द्वारा करवाया गया। आज 17 तारीख को माननीय मोदी जी का जन्मदिन हमने अपने जितने भी बूथ अध्यक्ष हैं समस्त बूथ अध्यक्षों को वृक्ष बांटकर व विभिन्न स्थानों पर जैसे कि सूरजपुर में, सकैनिया में, गदरपुरा में और आवास विकास शहर गदरपुर में 4-5 स्थानों पर केक काटा व सभी बूथ अध्यक्षों को बुलाकर उनको वृक्ष वितरित किए। अभी के लिए बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।